हेलो एवरीवन वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट नंबर सेवन इससे पहले छः मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वो जाकर देख सकते हैं सो so, आज का जो मॉक टेस्ट होगा वो होगा मॉक टेस्ट नंबर सेवन और इसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि स्टैटिक जी से रिलेटेड है और कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे बेसिकली जिस तरह का पैटर्न आपका डी एस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसी पैटर्न पर बेस्ड मैंने ये पूरा का पूरा मॉक टेस्ट बनाया है 25 क्वेश्चन है तो आपको 25 के 25 अटैम्प्ट करने हैं और बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना स्कोर रहा है अगर आपको इस वीडियो का पी चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सो so, आज का वीडियो मॉक टेस्ट नंबर सेवन उसको स्टार्ट करते हैं सो so, सबसे पहला क्वेश्चन है कमला नेहरू रिज पार्क डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट इन विच ईयर तो दिल्ली में ये एक रिजर्व फॉरेस्ट है दिल्ली के अंदर कहाँ पर है तो जो आपका नॉर्थ कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी डी यू वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा ठीक है सो so, कमला नेहरू रिज पार्क डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट इन विच ईयर तो उन्नीस सौ पंद्रह में इसको रिजर्व फॉरेस्ट का दर्जा दिया गया और इसको डिक्लेयर किया गया कि कमला नेहरू रिज पार्क अब से क्या है एक रिज़र्व फॉरेस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा ठीक है तो इसका आंसर क्या है नाइनटीन फिफ्टीन और ये नॉर्थ कैंपस में डेली यूनिवर्सिटी के पास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला गया है इन विच ईयर डेली यूनिवर्सिटी इस्टैब्लिश्ड सो डेली यूनिवर्सिटी कौन से सन में इस्टेब्लिश्ड की गई थी आपको बताना है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली इस साल के लिए क्योंकि आज से सौ साल पहले एग्जैक्टली नाइनटीन ट्वेंटी टू के अंदर डेली यूनिवर्सिटी को इस्टैब्लिश्ड किया गया था तो दो हज़ार बाईस में डी यू अपने इस्टेब्लिशमेंट के पूरे हंड्रेड ईयर्स सेलिब्रेट कर रहा है सो तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सो तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ नाइनटीन ट्वेंटी टू यानि कि उन्नीस सौ बाईस में डेली यूनिवर्सिटी इस्टैब्लिश हुआ था तो अब कंप्लीट हंड्रेड ईयर्स हो चुके हैं डेली यूनिवर्सिटी को इस्टैब्लिश्ड हुए क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला गया है बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन स्टैब्लिश इन विच ईयर तो ये आपको बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन बदरपुर एरिया में आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा तो आपको बताना है कि ये कब इस्टेब्लिश्ड किया गया था सो ऑप्शन दिए हुए उन्नीस सौ चौहत्तर उन्नीस या उन्नीस सौ पैंतालीस सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका 1974 में ठीक है सो उन्नीस सौ में बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन इस्टेब्लिश्ड किया गया था दिल्ली के अंदर वहीं उन्नीस की बात करता हूँ तो यहाँ पर एन को स्टैब्लिड किया गया था दिल्ली के अंदर ठीक है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ठीक है तो इसको 1975 में स्टैब्लिश किया गया था वहीं 1974 में बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन को स्टैब्लिश किया गया था आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एन के हेड का क्या नाम है जो बेसिकली मेन सी ई आप कह सकते हैं जो हेड है एन के उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया है हु इज़ द चीफ़ जस्टिस ऑफ़ डेली हाई कोर्ट तो वर्तमान समय में दिल्ली के जो हाईकोर्ट है डेली का उसके चीफ जस्टिस का क्या नाम है ये आपको बताना है तो देखिए जो एन वी रमना है ऑप्शन नंबर बी ये तो सुप्रीम कोर्ट के सी जे आई है यानी कि बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं कौन एन वी रमना राजीव कुमार की बात करता हूँ तो ये कौन है चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया ठीक है चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी कि सी सी आई है और चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया या फिर इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर थ्री टू फाइव इसको आ, डिस्क्राइब करता है ठीक देन विकास कुमार की बात करते हैं तो अभी हाल ही में दिल्ली में डीएमआरसी के एमडी चुने गए थे डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉपोरेशन के जो एम डी है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो विकास कुमार को चुना गया है तो ऑप्शन नंबर ए विपिन संघी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यानी कि विपिन संघी कौन है चीफ जस्टिस ऑफ डेली हाई कोर्ट है करंट टाइम में ठीक है सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप मार्क कर सकते हैं देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोला गया है व्हाट इज द टोटल बजट अमाउंट ऑफ डेली गवर्नमेंट फॉर फिस्कल ईयर दो से दो तो इस फिस्कल ईयर यानी कि 2022 से 2023 के लिए दिल्ली गवर्नमेंट का कितना बजट है यह आपको बताना है ऑप्शन so दिए हैं पचहत्तर हजार आठ सौ करोड़ अस्सी हजार करोड़ पचहत्तर हजार करोड़ या फिर सतहत्तर हजार पांच सौ करोड़ सो so इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज सेवेंटी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड करोड़ तो इतने रुपीज एलोकेट किए गए हैं बजट के लिए यानी कि जो बजट है टोटल अमाउंट ऑफ बजट दिल्ली गवर्नमेंट का वो कितना है पिछहत्तर हजार आठ सौ करोड़ रुपए फिस्कल ईयर दो हजार बाईस तेईस के लिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोला गया है हु शिफ्टेड हिज़ कैपिटल फ्रॉम डेली टू दौलताबाद तो आपने दिल्ली सल्तनत में ये पढ़ा होगा जो बेसिकली तुगलक डायनेस्टी थे तो तुगलक डायनेस्टी के एक किंग हुए थे जिनका नाम क्या था मोहम्मद बिन तुगलक इनको बोला जाता था कि ये कौन थे पढ़े लिखे बेवकूफ़ है ना यानी कि इन्होंने जितनी भी पॉलिसीज़ अप्लाई की वो सारी की सारी फ़ेल कर गई थी तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या होगा मोहम्मद बिन तुगलक ही होगा इन्होंने बेसिकली क्या किया था अपने कैपिटल को डेली से ले जाकर दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया था ठीक है दौलताबाद दौलताबाद में शिफ्ट किया था अगर दौलताबाद की बात करूं तो वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में दौलताबाद आपको कहां पर मिलेगा तो ये आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा ठीक है महाराष्ट्र ठीक है तो इस क्वेश्चन से ये हमें पता चलता है हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर सेवंथ में बोला गया है ये करंट रिलेटेड क्वेश्चन है हाल ही में अभी न्यूज़ में था फर्स्ट तो इंडिया नेपाल भारत गौरव टूरिज़्म ट्रेन फ्लैगड ऑफ फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन इन डेली तो किस रेलवे स्टेशन से डेली में इंडिया नेपाल भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन को स्टार्ट किया गया है सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ सफदरजंग रेलवे स्टेशन तो सफदर जंग रेलवे स्टेशन से अभी हाल ही में इंडिया नेपाल भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन को आ, फ्लैग ऑफ किया गया है स्टार्ट किया गया है जो कि इंडिया दिल्ली और नेपाल के बीच में आ, बेसिकली चलेगी ठीक है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट का क्वेश्चन है करंट अफेयर का तो मार्क कर सकते हैं आप डेफिनेटली इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर एट में बोला गया है इंडियाज फर्स्ट रैपिड रेल स्टार्ट स्टार्टेड बिटवीन दिल्ली एंड विच सिटी तो यानी कि इंडिया की जो पहली रैपिड रेल है वो कहाँ से कहाँ के बीच में स्टार्ट की गई है तो इंडिया की जो पहली रैपिड रेल है वो बेसिकली दिल्ली से मेरठ के बीच में स्टार्ट की गई है और ये कितना डिस्टेंस है बेसिकली इसका अच्छा आप बताना ये ये मैं नहीं बताऊंगा ठीक है एट्टी एट्टी के आसपास है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि दिल्ली और जो मेरठ है इसके बीच का जो डिस्टेंस है रैपिड रेल के थ्रू जो स्टार्ट की गई है वो कितना है और कौन कौन सी जगह से होकर ये रैपिड रेल गुजरेगी ठीक है एक जगह यहाँ पर गाज़ियाबाद भी है तो गाज़ियाबाद से होकर भी ये जाएगी तो आपको बताना है कि कौन कौन से शहर से होते हुए ये रैपिड रेल चलेगी और साथ ही में ये कितने किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस कवर करेगी ये भी आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है ठीक है जो आंसर होगा इसका वो एट्टी के आसपास ही होगा ठीक है मैं बता नहीं रहा हूँ बस हिंट दे दे रहा हूँ आपको तो वो आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है रिसेंटली पुतुल उत्सव ठीक है पुतुल उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन डेली इट इज़ रिलेटेड टू वट सो अभी हाल ही में पुतुल उत्सव सेलिब्रेट किया गया था ना कि सिर्फ डेली में बल्कि इसके अलावा चार शहरों में और इसको सेलिब्रेट किया गया था तो आपको बताना है पुतुल उत्सव बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है क्या ये स्पोर्ट्स से उत्सव स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक उत्सव था या फिर पपेट्स यानी कि कठपुतली से, से रिलेटेड एनिमल से रिलेटेड या फिर साइंस एंड टेक से रिलेटेड So, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज पपेट्स यानी कि पुतुल उत्सव अभी जो दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया था वो पपेट से रिलेटेड था यानी कि कठपुतलियों से रिलेटेड ये पुतुल उत्सव अभी हाल ही में दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया था करंट अफेयर का ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट करके मार्क कर सकते हैं अगेन करंट अफेयर का एक और क्वेश्चन है किस्सा खाकी का इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय तो किस्सा खाकी का ये दिल्ली में भी हाल ही में लॉन्च किया गया है इनिशिएटिव ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स डेली स्कूल्स या फिर सीआरपीएफ आर पी सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इस कलर से ही आप देख कर बता सकते हैं खाकी तो खाकी कलर किसका होता है दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म का तो यानी कि ये किसने स्टार्ट किया है दिल्ली पुलिस ने तो अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने किस्सा खाकी का इनिशिएटिव लॉन्च किया है ठीक है तो ये भी करंट का क्वेश्चन था काफी न्यूज में था क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ में बोला गया है विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर तो यमुना रिवर की आपको ट्रिब्यूटरी तो पता होंगी कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है अब उसमें पूछा गया है कि सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है यह आपसे पूछा गया है सो so, ऑप्शन है टोन्स बेतवा केन और चंबल सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज टोन्स ठीक है तो टोन्स क्या है सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है सहायक नदी है यमुना रिवर की और आपको बताना है कि इसकी लेंथ कितनी है ठीक है टोन्स रिवर की लेंथ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे कि इसकी लेंथ कितनी है कितनी लंबी ये बेसिकली कितने लंबे किलोमीटर कितने किलोमीटर लंबी है ये टोन्स रिवर ठीक है जो कि गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है सॉरी गंगा नहीं यमुना की ठीक है और यमुना कहाँ से निकलती है उत्तराखंड में आपको पता है यमुनोत्री से निकलती है तो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है ये आपको पता ही होगा और पिछली वीडियो में मैंने यमुना रिवर की लेंथ भी आपको बता दी थी ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में बोला गया इन विच ईयर सिग्नेचर ब्रिज इनेगरेटेड इन डेली तो आपको पता है सिग्नेचर ब्रिज अपने आप में बहुत ज्यादा फेमस है पूरे इंडिया के अंदर ठीक है केबल ब्रिज है एक तरह का जो कि ईस्ट दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा तो आपको बताना है इसको कब इनाइग्रेट किया गया था दिल्ली के अंदर तो देखिए जो ये इनागोरेट किया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा ठीक है अरविंद केजरीवाल जी ने इसको आ, इनागुरेट किया था और इसको इनागुरेशन हुआ था चार नवम्बर 2018 में ठीक है चार नवंबर 2018 को इसका इैगुरेशन किया गया था ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज 2018. अगर सिग्नेचर ब्रिज की कोई लेंथ पूछता है कि कितना मीटर ऊंचा है ये तो कुतुब मीनार के दो गुने से थोड़ा सा ज़्यादा है यानी कि 154 मीटर ठीक है ये भी मैं ऑलरेडी वीडियो में पहले करा चुका हूँ सो वन फिफ्टी मीटर क्या है इसकी 154 मीटर इसकी लेंथ है टोटल जो हाइट बेसिकली आप बोल सकते हैं इसे क्वेश्चन नंबर थर्टीन में बोला गया हु इज द एम ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेली तो आपको पूरे डेली के जो सात सीट्स हैं एम लोकसभा की और तीन सीट्स हैं जो आपकी राज्यसभा की उन सभी के एमपी के आपको नाम पता होने चाहिए ठीक है तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एमपी की बात करते हैं तो उनका नाम क्या है वो है मनोज तिवारी ठीक है मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से एमपी हैं वहीं जो हंसराज हंस, हंस हैं ये आपके नॉर्थ वेस्ट से ठीक है नॉर्थ वेस्ट से क्या हैं एम आपको ये मिलेंगे बेसिकली लोकसभा की सीट पर ये एम हैं वहीं जो डॉक्टर हर्षवर्धन है और मीनाक्षी लेखी इन दोनों की कॉन्स्टिट्युवेंसी आपको बतानी है लोकसभा की ठीक है कि ये कौन सी लोकसभा कॉन्स्टिट्युवेंसी से आते हैं ठीक तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है क्योंकि आपको सातों यानी कि दस की दस सीट याद होनी चाहिए सात लोकसभा की और तीन राज्यसभा की यहाँ से कौन किस सीट से यहाँ का एमपी है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में बोला गया विच ऑफ दीज टावर्स हैज़ फाइव डिस्टिंक्ट स्टोरेज विच मार्क्ड बाई ए प्रोजेक्टिंग बैल्कनी तो कौन सी इनमें से वो टावर है जिसमें पाँच स्टोरे या बिल्डिंग्स आपको दिख जाएंगी पाँच सेक्शन में बटी हुई सो सिंपल सा आंसर है इसका क्या है वो है कुतुब मीनार ठीक है कुतुब मीनार आपको इस तरह से दिखेगी इसके इस तरह से पाँच सेक्शन है वन टू थ्री फोर और एक नीचे फाइव और इसको अगर पूछते हैं किसने बनवाया था तो कुतुबुद्दीन नेबक ने बकने इसका कार्य स्टार्ट कराया था ठीक है और जो इल्तुतमिश थे उन्होंने क्या कराया था इसको कंप्लीट कराया था बाकी अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो ये कितने मीटर ऊंची है तो ये 72 टू मीटर ऊंची कुतुब मीनार है और एक और क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ आपको बताना है कि कुतुब मीनार कौन से मॉन्यूमेंट से प्रेरित होकर बनाई गई है और वो मॉन्यूमेंट किस जगह पर है ठीक है एक बेसिकली इसी तरह का टावर है जो कि किसी दूसरे देश में है तो वो आपको बताना है कौन से देश में वो टावर है उस टावर का क्या नाम है उससे ही इंस्पायर होकर ये मीनार को बनाया गया था ठीक है तो तेहरवीं चौदहवीं सदी में ये बनाया गया था ये आपको पता ही होगा दिल्ली सल्तनत के टाइम पर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में बोला गया सिंस वैन इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग इन डेली तो इंटरनेशनल मैंगो फेस्टिवल डेली में सेलिब्रेट किया जाता है है ना हर समर में ये सेलिब्रेट किया जाता है समर यानी कि गर्मियों में दो दिन का ये फेस्टिवल होता है ठीक है टू डेज़ का और इसको जो सेलिब्रेट किया जा रहा है डेली के अंदर वो नाइनटीन एट्टी सेवन से सेलिब्रेट किया जा रहा है ठीक है नाइनटीन एटी सेवन क्या इसका ईयर है जहाँ से ये आ, बेसिकली सा, हर साल फेस्टिवल को इसको सेलिब्रेट किया जाता है तो उन्नीस से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है मैंगो फेस्टिवल को और ये दो दिन का फेस्टिवल होता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में बोला गया व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ दिल्ली तो दिल्ली का जो स्टेट ट्री है राजकीय है, वृक्ष है उसका क्या नाम है क्या वो बनियान ट्री है अशोका ट्री है मैंगो ट्री है या फ्लैम ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्लैम ठीक है फ्लैम बॉइंट क्या है डेली का जो स्टेट ट्री है उसका नाम है फ्लैम बॉइंट इसका आपको साइंटिफिक नाम बताना है कमेंट सेक्शन में ठीक है साइंटिफिक नेम क्या होता है फ्लैम बॉइंट का साइंटिफिक नेम रीजिया करके कुछ ये खत्म होता है इसका नाम ठीक है आखिर में रीजिया आता है जो साइंटिफिक नेम है उससे पहले क्या आता है वो आपको बताना है ठीक तो फ्लैम बॉइंट क्या है डेली का स्टेट ट्री है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में बोला गया विच रूलर इंट्रोड्यूस द ट्राई मेटल कॉइनेज सिस्टम विच लेटर बिकेम द मुगल कॉइनेज सिस्टम तो कौन सा वो रूलर था जिसने ट्राई मेटल कॉइनेज सिस्टम को स्टार्ट किया था तो so, इसका करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी दैट इज शेर शाह सूरी ठीक है तो शेर शाह सूरी ने ट्राई मेटल कॉइनेज सिस्टम को स्टार्ट किया था जिसको बाद में मुगल्स ने अपना लिया था ठीक है और शेर शाह सूरी ने ही हमायूँ को डिफीट किया था ठीक है हमायूँ को फिफ्टीन थर्टी नाइन में और फिफ्टीन फोर्टी में ठीक है आपको बताना है इन दोनों जो वॉर थी जो ये युद्ध हुआ था इनका नाम क्या था ठीक है नेम आपको बताना है जिसमें हुमायूं को डिफीट किया था शेरशाह सूरी ने पंद्रह और पंद्रह ठीक है तो इन दोनों का नाम आपको अगेन कॉमेंट सेक्शन में बताना है क्वेश्चन नंबर एट्टीन में बोला गया है इन विच ऑफ दीज प्लेसिज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एच एस आर ए वॉज फाउंडीन ट्वेंटी एट फिर तो इसका तो आंसर ऑब्वियस ही बात है दिल्ली ही होगा क्योंकि हम दिल्ली से रिलेटेड जीके कर रहे हैं तो जो 1928 में ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था ये फाउंड किया गया था दिल्ली के अंदर और किसने फाउंड किया था तो ये आपको बताना इसमें चंद्रशेखर आज़ाद थे ठीक है चंद्रशेखर आज़ाद और दो लोग और थे उन दोनों का नाम आपको बताना है ठीक है तो चंद्रशेखर आजाद एक नाम था और बाकी के दो लोग कौन थे जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी दिल्ली के अंदर 1928 में क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है विच हिल्स फाउंड इन डेली तो दिल्ली में कौन सी हिल्स पाई जाती हैं तो अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है तो डेली में आपको देखने को मिलेंगी अरावली हिल्स ठीक है और अरावली हिल्स सबसे ज्यादा प्राचीन पहाड़ियों में से एक है दिल्ली के अंदर ये आपको जो राष्ट्रपति भवन है वहां पर देखने को मिलेंगी बेसिकली जो प्रेजिडेंट हाउस है राष्ट्रपति भवन है वो आपको अरावली हिल्स के ऊपर ही देखने को मिलता है तो दिल्ली के अंदर कौन सी हिल्स पाई जाती हैं अरावली हिल्स वहीं विंध्याचल और सतपुड़ा ये आपको एमपी के पास देखने के लिए मिलेंगी और शिवालिक तो ये आपको जो हिमालय है उनकी जो सबसे लास्ट वाली रेंज है बेसिकली जो उत्तराखंड वाले रीजन में नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश में वो क्या है शिवालिक हिल्स हैं ठीक है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और अरावली हिल्स की बात करते हैं तो अरावली हिल्स में आपको गुरु शिखर एक पर्वत मिलेगा गुरु शिखर जो कि अरावली का क्या है सबसे ऊंची चोटी है ठीक है अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है वो क्या है गुरुशिखर और ये कहाँ पर है माउंट आबू ठीक है इसको माउंट आबू के नाम से भी जानते हैं माउंट आबू और ये आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी ठीक है सो माउंट आबू गुरु शिखर अरावली हिल्स पर है सबसे ऊंची चोटी है ये भी आपको साथ में याद रखना है ठीक है आप अपने आप को लिमिट नहीं रखना है कि हम सिर्फ दिल्ली के जी को ही कम्प्लीट करेंगे बेसिकली हो सकता है क्या पता इस बार एग्ज़ाम में आपसे डेली के जी के साथ साथ करंट अफेयर नेशनल लेवल का और जो बेसिकली uh, जो जनरल स्टडीज़ होती है या बाकी स्टेट से रिलेटेड भी कुछ पूछ लें तो हो सकता है क्या पता सारा कुछ जी दिल्ली जीके से ना पूछ कर वो बाकी चीजों से भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पर चलते हैं इसमें बोला गया हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ डेली तो दिल्ली का क्लाइमेट यानी कि जलवायु दिल्ली की कैसी है सो तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एक्सट्रीम क्लाइमेट यानी कि दिल्ली में क्या होता है बहुत ज्यादा कोल्ड सर्दी पड़ती है और बहुत ही ज्यादा गर्मी ठीक है समर भी बहुत ज्यादा यानी कि हॉट ठीक है तो दिल्ली में क्या है दिल्ली में एक्सट्रीम क्लाइमेट है यहां पर बहुत ज्यादा सर्दी बहुत ज्यादा गर्मी और बरसात भी ठीक ठाक होती है तो दिल्ली का अगर क्लाइमेट पूछते हैं जलवायु पूछते हैं तो क्या आ जाएगा आंसर एक्सट्रीम क्लाइमेट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में बोला गया अरविंद केजरीवाल इनाइग्रेटेड द देशभक्ति करिकुलम एट विच प्लेस इन डेली तो देशभक्ति करिकुलम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अभी इनाइग्रेट किया सो ये कहाँ पर किया गया था ये आपको बताना है ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ तो आई होप आप सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा तो so इसका आंसर है ऑप्शन ए छत्रसाल स्टेडियम ठीक है तो छत्रसाल स्टेडियम में अरविंद केजरीवाल ने इनैग्रेट किया है देशभक्ति करिकुलम ठीक है जिसमें बेसिकली जो डिफरेंट जो हमारे देशभक्ति बेसिकली जो नेता हुए हैं जो अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं उनके बारे में स्कूल में अलग से क्लासेस दी जाती हैं इसके बारे में ठीक है तो उससे रिलेटेड है पूरा देशभक्ति करिकुलम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में बोला गया हु हुनाइग्रेटेड प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट रिसेंटली इन डेली तो अभी बहुत ही जून में ही आई थिंक बीस बाईस जून की ये न्यूज़ है करंट अफेयर में दिल्ली में प्रगति मैदान में इंटीग्रेटेड ट्रांज़िट कॉरिडोर प्रोजेक्ट हाल ही में लॉन्च किया गया तो इसको किसने इनाइग्रेट किया ये आपको बताना है तो so, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी जी ने ठीक है तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया है प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को हाल ही में लॉन्च किया है अरविंद केजरीवाल आपको पता ही है सी ऑफ डेली है मनीष सिसोदिया डिप्टी सी है ठीक है डिप्टी सी ऑफ डेली और नितिन गडकरी कौन है ये कैबिनेट मिनिस्टर है जो आपके रोड और ट्रांसपोर्ट के कैबिनेट मिनिस्टर हैं बेसिकली ये है, ठीक है यूनियन मिनिस्टर आप कह सकते हैं इनको तो नितिन गडकरी ठीक है तो इन चारों ऑप्शन के बारे में हमें यह जानकारी मिलती है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री की ओर तो दिल्ली की जीडीपी रैंक पूछी गई है व्हाट इज़ जीडीपी रैंक ऑफ दिल्ली तो अगेन ये भी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ पिछली वीडियोस में तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ थर्टींथ यानी कि दिल्ली की जीडीपी में कितनी रैंक है तो दिल्ली की जी में रैंक है थर्टीनथ आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि डेली की जी पर कैपिटा कितना है ठीक है जी पर कैपिटा पर कैपिटा कितना है और कौन सी रैंक है ठीक है ये सारे क्वेश्चंस आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं जो भी मैंने पूछे हैं तो इसमें क्या पूछा जीडीपी पर कैपिटा कितनी है दिल्ली की और रैंक क्या है जीडीपी पर कैपिटा में ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है विच इज द हाइस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ डेली यानी कि दिल्ली का कौन सा ज़िला है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है जनसंख्या है सो so इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉर्थ वेस्ट ठीक है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली आपको कन्फ्यूजन नहीं रखनी है यहाँ पर सिर्फ हाइएस्ट पॉपुलेशन पूछी गई है ना कि हाइएस्ट डेंसिटी हाइएस्ट डेंसिटी पूछा जाता तो आंसर होता नॉर्थ ईस्ट लेकिन यहाँ सिंपल पूछा गया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है तो वो है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ठीक है और हाईएस्ट डेंसिटी पूछते तो वो होता आपका नॉर्थ ईस्ट में और सबसे कम पॉपुलेशन आपको न्यू दिल्ली के अंदर मिलेगी न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का इसमें पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट तो सबसे कम साक्षरता दर कौन से जिले की है दिल्ली के अंदर सो so, ये भी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ इसका जो आंसर होगा वो है नॉर्थ ईस्ट ठीक है तो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है ये इसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी है पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा और सबसे कम क्या है लो लिटरेसी रेट है तो लोएस्ट लिटरेसी रेट लोएस्ट लिटरेसी रेट किसका है तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट डेली का नॉर्थ ईस्ट डेली तो ये थे आ, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड थे हमने क्वेश्चन 25 क्वेश्चन किए हैं तो आपको बताने कमेंट सेक्शन में आपका कितना स्कोर रहा आपने कितना ठीक किया और कितनी गलत की है ठीक है अगर आपको इस वीडियो का पी चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो